आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। नमस्कार, जनतंत्र टीवी के YouTube एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। तो देश भर में दशहरा की धूम दिखाई दे रही है, हर जगह रावण दहन को लेकर लोग जो है बहुत ही एक्साइटेड हैं। वहीं एक ऐसी खबर मैं आपको दूंगी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, एक तरफ जहां देश भर में असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की और बुराई से अच्छाई की जीत होगी, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर रावण का एक विशेष मंदिर है। 1868 से इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और रावण की पूजा करते हैं। आप चौंकिए मत, क्योंकि ये बात सच है। 1868 से लेकर आज तक लोग इस मंदिर में जाते हैं भारी संख्या में और रावण की पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनकी आरती भी करते हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मबाण नाभि में जाने के बाद और साथ ही साथ रावण के धाराशाही होने के बीच का जो कालचक्र है उसकी रचना के अनुसार ये बात सामने आई है कि रावण जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं था। और उसी बीच आपको ये भी बता दें कि ये वो समय था जब राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाकर रावण के पैरों के पास खड़े हो जाओ और संपन्न जो ज्ञान है, पूरा जो ज्ञान है उसे ले लो। जिस तरीके का ये पूरा जो टाइम था उस टाइम को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसी को याद करते हुए रावण जो है वो पूजनीय बन गए हैं। और इसी को देखते हुए, इसी को याद करते हुए लोग रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण जितना ज्ञानी था उतना ज्ञानी अब तक कोई भी नहीं है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में रावण दहन किया जा रहा है, वहीं रावण की पूजा भी की जा रही है। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर बेहद ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोग जाते हैं, भारी संख्या में जाते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो रावण के सामने रखते हैं ताकि उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। और ये कहा भी जाता है कि जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी भी हो जाती है। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।